जाने लगे। भरत कहते हैं अयम जनो नाम चलन हृदयाम यह पार्थिव पार्थिव कस्य हेतो तस्यापि चांग्य और अधिगुल्फ जंघा जानोरु मध्यो रशिरो घरांसा। अयम जनो नाम, अरे तुम जो गा रहे हो ना, मैं सब प्रजाओं का पालन करता हूँ, मैं पार्थिव संबोधन करते हे पार्थिव, पृथ्वी का राजा पार्थिव, हे पार्थिव ये राजा तुम कहते मैं सबको पालन पोषण करता हूँ, तुम किसका पालन पोषण कर रहे हो? ये जो शरीर है अयम जनो नाम चलन, ये जो जन नाम से कहते हो, प्रजा नाम से कहते हो, चलता फिरता रहता है पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वीयाम पृथ्वी के ऊपर चलता फिरते जो जन नाम से सुप्रसिद्ध है वह कस्य हेतु हो, कस्य हेतु हो, जो पृथ्वी का विकार है सहेव कस्य हेतु हो, कस्माचित कारण पृथ्वीयाम चलन, किस कारण से निकल कर पृथ्वी में चलता हुआ रह रहा है बताओ? कोई भारवाहक हो गया, कोई पाचक हो गया, कोई लावक हो गया, कोई क्षेपक हो गया, कुछ हो गया, तो उसे समझाऊंगा प्राप्त करके जो चल रहा है किस लिए हो रहा है ये बताओ। तस्या पिछा स्वास्थ्य विचार करके देखो, ये भी अवयवी है क्या कोई, जिसको तुम भार वाहक मान रहे हो और भार को वहन करने वाला है, बताओ वास्तव में कोई भार वाहक नाम का वस्तु है अवयवी? विचार करके देखते हैं अवयवों से भिन्न कोई अवयवी है ही नहीं। तस्या पिछा उस अवयवी का भी वास्तविक रूप क्या है? हाथ पैर अधिक गुल्फ जंघा जानू पूर्व मध्य तिरह शिरह अधर इत्यादि अंश प्रदेशों वाला है, अनेकों अवयवों वाला है, अर्थात अवयवों से बिन कोई अवयवी नहीं। और दूसरी बात, पृथ्वी का विकार जैसा पत्थर आदि है वैसे पृथ्वी का विकार भी शरीर आदि है, दोनों में अंतर क्या? इसको तुम जना उसको पहचाना तो नाम मात्र को अंतर कर रखे हो, सब क्या है पार्थिव, पृथ्वी तो पृथ्वी है, सभी पार्थिव होते हुए भी किसका नाम आपने जन रख दिया, किसका पहचान, किसका घटा, किसका पता, इसलिए नाम मात्र का भेद है, नहीं तो सब वास्तव में पार्थिव ही है। जो यह पार्थिव इसलिए का जो पार्थिव होते हुए पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी का विकार होते हुए घूमता फिरता हुआ अपने जन रख दिया, नहीं घूमता फिरता उसका पत्थर नाम रख दिया, ये तो अपने मन के नाम हो गई, वास्तव में कहा भेद है। और वैसे अवयवी को देखते हैं तो असल अवयवी नाम तो कोई वस्तु ही नहीं, जिसका नाम तुम भारवाहक है पाचक है लावक इत्यादि बोल रहे हो। अच्छा, क्योंकि सब न भार है श्रमश्च, किसी न वास्तव कोई भार है, न श्रम है, न कुछ है, क्यों थका? पैर थका गया, हाथ थका गया, कौन चीज थका है? आपके मन थक गया, मन स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आपने कहा ये थक गया वो थक गया, सब कुछ मानस ही है, कल्पना ही है, वास्तव कोई सत्य नहीं है, ये बोलने का तात्पर्य। अंश्य अधिदारवी शिविका चयस्याम सौवीर राजत्यपदेश आस्ते तस्मिन् भवान रूढ़ निजाभिमानो राजा तस्मिन् सिन्धुष्विति दुर्मदान्धः। अंश्य अधिदारवी और हाँ कंधे पर क्या है? एक लकड़ी का टुकड़ा है, तुमने कहा कि पालकी रो रहा हूं, तो कहा पालकी? मेरे कंधे पर तो पालकी है, पालकी के अवयवी तो है कंधे पे कि पालकी है? पालकी के आगे पीछे लगा हुआ जो डंडा है आर पार लंबा सा, वो तो डंडा है ना, ना? कि पालकी है? तो कहते हैं बाबा पालकी नाम का वस्तु इसलिए वास्तव है, एक अवय पर हमारे कंधे पे, एक अवय उसके कंधा पे, एक अवय उसके कंधा पे, कोई उसके कंधा पे है, और एक अवय पर तुम बैठे हो और बाकी अवय तुम्हारे सर पर है, कौन सा शिविका है बताओ? वास्तव में शिविका नाम को कोई अवयवी भी नहीं, वही अवय अलग अलग कुछ नहीं। राज्य प्रदेश आस्ता है जैसे सवीर का राजा के नाम से सुप्रसिद्ध तुम बैठे हो, तुम्हें वहां से आम के अलावा कुछ नहीं हो, कहने का जो अंदर बैठा हुआ है तो उसका नाम रख दिया गया क्या? सभी उसका राजा ऐसे कह दिया जा रहा है, उसी से कोई दूसरी चीज को रख दो कहीं अब कहा है, नाम ही तो हुआ और कुछ नहीं,
यस्मिन् भवान रूढ़ निजा विमानो, जिसमें जो है ना आप एकदम रूढ़ हो, स्व का सत्व का अभिमान हो बैठे, रूढ़ निजत्व अभिमान। राजा अस्मि सिंधु सुविति, मैं सिंधु विश्व में राजा हूं। दुर्मदांड विवेक ही हो गए, अभी नहीं, अभी तो आगे बोले दृष्टोत्तम बाद में आएगा। दुर्मदांड, अभी तो दुर्मद से विवेकहीन हो गया, अंधता आ गई है तुम्हारे अंदर। पर ये जो अवयवी है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, उसे दुर्मद अभिमान कर रहे हो। मिथ्या वस्तु का सत्य का अभिमान कर लिया, अरे मैं राजा हूं, बेमतलब का तुम्हारा चिंतन है। शोचान्यमास्तम अधिकष्ट दीनान विशिष्ट्यान निगृह्णन निरनुग्रहोऽसि जनस्य गतास्य विकथमानो नशो बसे सभा सुदृष्ट। शोचान्यमास्तम अधिकष्ट दीनान, और तुम जाए सर शोचेंगे, क्या करा रहा है देखता, धृष्ट ढीठ हो। एक तरह अगर मैं इनका पान पोषण करता हूं और अगर तुम इनका शोषण कर रहे हो, तुम पर बैठ गए तुम पालकी में और उनको बोल रहे हो क्या पान कर रहे हो, ऐसे पान होता है क्या, दूसरे को कष्ट दे रहे हो और कह रहे हो मैं पान भी कर रहा हूं, क्या बात है, ऐसे कैसे हो सकता है। शोचानी मांस तम अधिकष्ट दीना, अधिक कष्ट अत्यंत कष्ट धारण करते हुए दीन भाव को प्राप्त हुए सारे के सारे शोच, और तुम इनको निग्रह करते हुए अनुग्रह से निग्रह निरनुग्रह से इनको इंसान को निग्रह कर रहे हो और इनका प्रति कोई अनुग्रह कर नहीं रहे हो। इन पर अनुग्रह करने वाले होते तो पैदल चलते ना तुम्हें है, ये धूप में बेचारे परेशान, इनके सर पर तो कोई पालकी है नहीं है, इनके घर कोई ढकने का है क्या कोई साधन, तुम पालकी में बैठे तेरे साथ ऊपर सर पर तो ढका हुआ है, और ये बेचारे धूप परेशान हो, इनको तुम निग्रह कर रहे हो कि अनुग्रह कर रहे हो, बताओ तुम सब सोच कर रहे हो, और झूठे बात कर रहे हो कि मैं प्रजा का पालन करने वाला हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसे शासी है, किस बात की शासी है, उल्टा शोषण करो और कह रहे हो मैं बड़ा अनुग्रह करने वाला बड़ा दयावान पुरुष हूं, सब पाल प्रजाओं का पालन पोषण करता हूं, दूसरा टैक्स ले रहा है ऊपर से कह रहा है और उनके टैक्सों को भोग रहा है, युद्ध काल में भी उन्हीं को लगाएगा, चल सब लड़ो मरो, पहले तुम लोग मरोगे बाद में होगा उनसे, तो हर तरीके से विचार कर रहे हो, इनके तुम निग्रही कर रहे हो, निरनुग्रह से तुम निरनुग्रह कर रहे हो, अनुग्रह कर नहीं रहे उन पर, जन से गोपता से खत्म मारो न शोब से। एक बुद्धिमान को ऐसा कहना ठीक नहीं लगता कि मैं जन की रक्षा करने वाला हूं, ऐसे कैसे तुम कथन कर रहे हो, निश्चित रूप से वृद्ध सदासु विद्वत सदा में तुम न शोभस हो, तुम्हारे जैसे शिष्य उन्हीं नहीं होते, तुम ढीठ हो धृष्टो सी। यदाक्षिता वेव चराचरस्य विनाम निष्ठां तन्नाम तन्निद्वहार मूलं निरुक्तां सत्क्रियानुमेयम्। अरे ध्यान रखो कहते जब नाम के लोग कुछ भी नहीं बात, मैं ये देख रहा हूँ ये जो चराचर जगत है ना, इन सब की उत्पत्ति और लय स्थिति स्थान क्या है, पृथ्वी है। क्षितवेव चराचर से निष्ठां विदाम लय विदाम, और क्षितवेव चराचर से प्रभु मन उत्पत्ति च विदाम, आदि और अंत पृथ्वी नहीं है, आदि मध्य पृथ्वी नहीं है। अरे पृथ्वी के अलावा मैं इनमें कुछ भी नहीं देख रहा, वाचर्म विकार हो नामदेयम मृतिका केवल, मेरे दृष्टि में तो सब क्या है पृथ्वी, पृथ्वी कुछ भी नहीं है, ये तुम नाम मेरे राजा है प्रजा है भारवाग वो है ये है, तुम नाम लेते रहो हमारे तो नाम भी क्या है, वाचर्म विकार नाम, ये जो नाम धेय विकारों का तो वाणी का विलास मात्र ही है, इसे कोई सत्यता नहीं है, इसे कहते संत ही जो प्रतन नाम तो अन्य निरुक्त काम निरुपण करके बताओ तो सही, नाम से अलग
इनका कोई वास्तविक तथ्य है, कोई स्वरूप है तो वर्णन करके बताओ मेरे। ये सब क्रिया अनुमेय, जो क्रिया के द्वारा अनुमान करके सिद्ध किया जा सके, ऐसा नाम से भिन्न कोई स्वरूप हो तो सिद्ध करके बताओ, निरूपण करके बताओ। अर्थात नाम से भिन्न का कोई सत्ता ही नहीं है। कहा था ना अर्थ क्रिया कारित्व है, उसे खंडन कर रहे भार भाग है, कैसे नहीं ये बोल रहे हो, भार नाम का चीज भी मेरा अनुभव हो रहा है, लोग धो रहे हैं, मैं बैठा हूँ, ये थक रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है, इसे उसने कहा था, उसका जवाब दे दिया। वास्तव में सर नाम के अलावा कुछ नहीं, न कोई भारवाक है, न कोई प्रजा है, न शास्त्र है, न शास्त्रीय, न कुछ। और अर्थ क्रियाकारित्व भी वास्तव में नहीं है, ये सिद्ध कर दिया। अर्थ क्रियाकारित्व जो तुम कह रहे हो वो भी तुम्हारी कल्पना मात्र ही है, मनसा कार्यानुपत्या वाजिनी कल्पिता, समय मन के द्वारा कार्य की अनुपत्ति को देखते हुए लोगों ने कल्पना मात्र कर बैठी, वास्तव में कुछ नहीं। नामात्मक है पृथ्वी तो है ना, आपने कहा हम तो सब पृथ्वी के मृतिका केवल सत्य, हम तो पृथ्वी भी सत्य हो गया, कहते वास्तव पृथ्वी भी सत्य नहीं, ये तो विकारों का जिसे उसे कारण को सत्य किया, ये भी तो विकार है, उसका भी कारण ढूंढो, जल उसका भी कारण, ऐसा मिथ्या ही पाओगे, सब नाम मात्र ही है। वही कथा है एवं निरुक्तम, ये जो मैंने अभी कहा है वह भी वास्तव में चित शब्द वृत्तम, पृथ्वी शब्द वाच्य मात्र है, वो शब्द मात्र के अगर प्रतीत हो रहा है, असंधाना किन किन की सन्निधि होती है उसका भी अवैध है, उसका भी अवैध है, जाओ कहां तक जाओगे, अरे परमाणु को सत्य मान लो, अरे नहीं परमाणु हो ये परमाणु है, जो परमाणु है वो भी जो माना जा रहा है, क्यों असंधान आ जाएगा, क्योंकि नया कार्य ने अनुमान करके कार्य अनुमान किया, इसका एक कार्य है तो उसका कारण ये है, इसका कारण ये है, इसका कारण ये है ना, प्रसरण तक तो दिखाई दे रहा है, प्रसरण का अनुमान के महत्वमान कहां से आया, दोनों माननी पड़ी, और दुणक से दुणक के लिए जित कहां से आ गया, परमाणु माननी पड़ी, एक कल्पना तो है अनुमान के द्वारा, कार्यान्वय पूर्वता परमाणु रूपी अवयव को आपने सिद्ध किया, लेकिन वहां भी नाम से भिन्न कुछ भी नहीं हो सकता, कल्पना मात्र ही है, वही कह रहे हैं ये मनसा कार्य अनुपत्या वाजिनी कल्पिता, कोई परमाणु कहता है, कोई जो है सत्य स्तंभ जो है प्रकृति कह रहा है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, तो माया कह जाए वेगा माया कहता है, माया भी कुछ नहीं है वास्तव, ये शाम सुमन कृत विशेष जिन परमाणु का समूह को लेकर नहीं आए, एक कार्य हो गया, घटा हो गया, घट हो गया, पट हो गया, विशेष हो गया, ऐसा एक कल्पना मात्र कर गया, क्योंकि वास्तव में परमाणु से भिन्न क्षिति नाम का चीज नहीं है, लेकिन परमाणु भी इसलिए सत्य नहीं हो सकता क्योंकि वह भी मन के आधार पर अनुमान के द्वारा कार्य के आधार पर कल्पना मात्र किया हुआ है। एवं दृशम स्थूल मनोर्बृहद्यद् असच्च सजीवम अजीवमन्यत् द्रव्यस्य भावाशय कालकर्म नाम्ना जया वेहि कृतं द्वितीयम्। एवं कृशम स्थूल मनोर्बृहद् यत् असच्च, ये जो भी आप अनुभव कर रहे हो, कृश है दुबला पतला है, स्थूल है मोटा है, छोटा है बड़ा है, ये सब कुछ असत्य है, ये भी जो विभाजन कर रहे हैं ना, एक जड़ है, एक चेतन है, जीवम अजीवम अन्य, और कोई तीसरी कोटि करते हो, ये सब कुछ असत्य ही है, क्यों इनमें क्या देख रहे हो वास्तव में, द्रव्य स्वभाव आशय काल कर्म नामना जया वे ही कृतम द्वितीयम्। अजया मैंने माया, ये सब परमात्मा के माया से बना दिया गया, कुछ द्रव्याज नाम लो उपलक्षित है, अजया माया द्रव्य नाम से, स्वभाव नाम से, आशय में संस्कार नाम से, काल नाम से, कर्म नाम से, नाम नहीं है वो, ये माया केवल नाम मात्र से ये सारी कल्पना कर रही है, ऐसा निश्चय करो, इसलिए वास्तव में कोई द्वितीय नाम की वस्तु ही नहीं, अतः नास्ति द्वितीय यद किंचित द्वितीय प्रतीतम तत्सर्व माया कृतम, अतएव असत्य यद असत्य सत्य हो गया, अतएव
ये सब असत्य ही है, इनमें से कोई भी चीज सत्य ही नहीं हो सकता। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम् अनंतरं तदर्रि बहिर्ब्रह्म सत्यम् प्रत्यक्त शांतम् भद्रशब्द संयम यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति। अच्छा, ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम्, तो सत्य क्या है? सब कुछ असत कर दिया, प्रकार कारण भाव आत्मा जो संसार जो जगत है, सब कुछ माया से कल्पित होने से असत। सत्य क्या है? तद ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम् अनंतरं बहिर् ब्रह्म सत्यम् अनंतरं बहिर् अबहिर् है ना, अनंतरं बहिर् ब्रह्म सत्यम् प्रत्यक्त शांतम् भगवत् शब्द संयम यद वासुदेवं कवयो वदन्ति। कहते जी देखो, एकमात्र आत्मा ही जिसका लोग भगवान शब्द से बोलते, भगवान ऐसा बोलते, भगवत शब्द संयम सारा ऐश्वर्य से युक्त होने से भगवान शब्द से जो कहा जाता है, जिसको वासुदेव नाम से भी लोग कहते हैं, वो कवय विद्वान लोग कहते हैं, वही क्या है? परमार्थ है। ज्ञानम विशुद्धम, ज्ञान मैंने सत्यम, किम सत्यम? ज्ञानमेव सत्यम, सत्य में अभी ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है। तो ब्रह्म कैसा है? वो तो ज्ञान रूप है, विशुद्ध है, परमार्थ है, एक है, अनंतर है और अभी है। छह प्रत्येक प्रशांत अंचा, छह विशेषण है यहाँ पर। तो परमार्थ है, पारमार्थिक सत्य वाला है, क्यों सत्य कहते तो गड़बड़ होता, परमार्थम सत्यम उसके साथ छोड़ देंगे। पारमार्थिक सत्य है, यदि व्यावहारिक सत्यता ले सकते हैं, प्राकृतिक सत्यता ले सकते हो, इसलिए परमार्थम सत्य मैंने पारमार्थिक सत्य है। वृत्ति ज्ञान विच्छेद करने के लिए छह, बाकी छह विशेषण है। विशुद्ध है, विशुद्ध का मतलब क्या है? अविद्यक नहीं, तो अविशुद्ध क्या है? अविद्यक, इसलिए विशुद्धम कहने का तात्पर्य अविद्यक नहीं है। और एकम का मतलब नाना रूप नहीं है, जो अविद्या ज्ञान होगा और नाना आकार ज्ञान होगा, एकाकार ज्ञान नहीं होगा। ये ज्ञान विशुद्ध है, और ज्ञान रूपा ब्रह्म एक भी है, और ज्ञान रूपा ब्रह्म अनंतरम अबहिश्च मैंने बाह्याभ्यंत शून्य, और वो जो कैसा है? बाह्याभ्यंतर भेद वाला है, अंतकरण वृत्ति बाह्य वृत्ति अंतर अंदर में सुखाकार इत्यादि अंदर है, घटादि बाहर है, अंतर बाह्य विशिष्ट आयुद्युक्त ज्ञान है। प्रत्यक ये का और एक ऐसा परिपूर्ण ब्रह्म क्या है? परिपूर्ण है, और वो परिच्छिन्न परिच्छिन्न ज्ञान रूप है, ये परिपूर्ण ज्ञान रूप है। और प्रत्यक है वो विषय आकार, ब्रह्म कैसा है? प्रत्यक स्वरूप ही है, सात रूप ही है, और अविद्या विद्या जनित जो ज्ञान है वो विषयाकार ज्ञान होता है, स्वरूप ज्ञान नहीं होता। ये अंत है। रहु गण तपसा नयाती नैज्जया निर्वपणाग्रहाद्वा न छंदसा नैव चलाग्नि सूर्यै विना महत्पादरजोभिषेकम्। कहते हैं जब हे रघुगण, ये जो चीज जो ज्ञान मैंने तुमको बताया है, तो तप के द्वारा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तपसा नयाति न छेज्जया, बड़े यज्ञ का यज्ञ कर्म कांड कर डालो, उससे प्राप्त नहीं होगा। बहुत पूजा पाठ कर लो, कुछ नहीं होगा। निर्वपणा दान पुण्य कर दो, उससे भी नहीं होगा। गृहात्रा गृह कर्मों के समय प्रकार का संपादन करने से भी होने वाला नहीं है। अन्याय से विभाग निर्वपणात्म गृहात्र तन्निमित्त परोपकार इनसे भी मुक्ति होने वाला नहीं। मैं छंदसा और खूब वेद पढ़ लिया रट लिया चारों वेद तब भी नहीं होने वाला। मेरे जलाग्नि सूर्य ही मेरा जलाग्नि आदि रूपासित ही जल देवता अग्नि वरुण देवता अग्नि देवता सूर्य देवता इत्यादि की उपासना करने से भी तब तक देव भाव को ही प्राप्त कर लोगे, मुक्ति ज्ञान को तो प्राप्त नहीं कर सकते। बिना महत्ता रजोभिषेक, बिना महान पुरुषों के भगवान के परम भक्तों के चरण कमल के रज के
अपने सर पर धारण किए बिना अर्थात उनकी कृपा के बिना, गुरुजनों की कृपा के बिना यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ बहुत संबंध है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर श्रद्धा तो है लेकिन सकाम कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्व कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का लोग पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्व तो कर रहे हैं, अश्रद्धा पूर्व कर रहे हैं क्या? श्रद्धा पूर्व कर रहे हैं, सकाम रहे हैं। तो जरूरी वो नहीं है, नहीं श्रद्धा के बिना आप पूजा नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, एक अलग चीज है, कामना एक अलग चीज है, दो अलग वस्तु है। श्रद्धा बुद्धि का तत्व का विषय है, कामना मन तत्व का विषय है, दोनों भिन्न तत्वों का विषय है। श्रद्धा की निर्णाधिकता अलग हो बात है, और कामना की निर्णाधिकता अलग चीज है। मन जो विषयापेक्षा रखने लगता है कामना करने लगता है, कामना हो या ना हो श्रद्धा रह सकती है, और श्रद्धा के बिना भी कामना रह सकती है, दोनों एक दूसरे से निरपेक्ष है। इसलिए हम लोग कहते श्रद्धा हो और साथ साथ निष्कामना भी हो, मन किसी कामना को लिए बिना कार्य करने को तैयार हो और बुद्धि पूर्ण श्रद्धा से समर्पित हो जाए तब कार्य संभव। इसलिए श्रद्धा विश्वास रूपी हो, श्रद्धा को क्यों पार्वती के साथ जोड़ा, तो बुद्धि तत्व का विषय है, और विश्वास पुलिंग ले लिया मन का विषय। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रुपिनो, इसलिए कहा गया है। और ये विश्वास हो जाए इस परमात्मा को मुक्ति मिल सकती है, तो संसारिक कामनाएं अपने आप खत्म हो जाए। मुख्य चीज है कि हम लोगों को मन के अंदर सबसे पहले कामनाओं को खत्म करनी पड़ेगी। श्रद्धा तो हो भी जाता है और कामनाएं बाधक हो जाती है, श्रद्धा का जो फल है ज्ञान वो नहीं मिल पाता। इसे श्रद्धावान लगे ज्ञानम फसी वाल जाएगा तत्पर क्यों जाना तत्पर। तो विषय पर होते हो ना, श्रद्धावान हो लेकिन ज्ञान पर नहीं हो, आत्मपरक नहीं हो, ब्रह्म परक नहीं हो, ईश्वर परक नहीं हो, कामना पर स्वर्ग पर है अन्य पर है, तो काम छोड़ जाना, इसे तत्पर कहना पड़ा। और तत्परता कह जाएगी उसके लाने गया सहयोग इंद्रिया। जब हम इंद्रिय संयम रखेंगे अपने आप हमारे अंदर जो हमारा लक्ष्य से प्रत आ जाते तब तो श्रद्धावान लगते ज्ञानम सफल हो जाता। इसलिए कहना है तीनों व्यवस्थित परस्पर सम्मिलित होकर निरपेक्ष भी है और एक दूसरे की बिना पूरक हुए बिना लक्ष्य सिद्धि भी नहीं होता। इसे लोगों को देखते हैं बड़े श्रद्धावान पुरुष लोग हैं लेकिन अंदर में अलग अलग प्रकार की कामनाएं भरी पड़ी है, किसी कारण से जो है उनको ज्ञान का लाभ नहीं होगा। अब जैसे आपको हमने देखा होगा एक पंडित जी आते हैं वृंदावन के कमल, देखा नहीं आप, इसे श्रद्धा कमी है उसके अंदर, हमारे प्रति है तो किसी के प्रति है भाई, उसके इतनी श्रद्धा है कि आप खड़े रहो बोला 24 घंटा खड़ा रह जाए, आप नहीं रह सकते खड़ा रह जाए, इतनी श्रद्धा है गुरु की आज्ञा है मेरे को खड़े रहना 24 घंटा खड़ा रह जाए। क्या करें अंदर दूसरी दूसरी कामनाएं भरी पड़ी है और इस चक्कर में जो पब्लिक नहीं उसका मन विकसित नहीं हो रहा है, तत्परता नहीं आ रही ना, तीसरे विफल श्रद्धा सारी बेकार गई। और केवल निष्काम रहेगा तभी काम नहीं, वैराग्यवान पुरुष हो रक्त भावन से गए तो व्यक्ति का अहंकार ऐसा हो जाता है गुरु की सेवा भी नहीं करता है, मिल जाएंगे संसार में कोई मतलब नहीं किसी से, ऐसा भावना करके गुरु की सेवा नहीं करता, गुरु के प्रति श्रद्धा खत्म करता है। और वो व्यक्ति किस काम की बताओ, श्रद्धा नहीं रह गया अहंकार बढ़ गया। इसलिए दोनों होना जरूरी है, श्रद्धा हो और निष्काम हो तब तो जाकर के अहंकार अपना शांत किया तो कार्य व्यक्ति ज्ञान की ओर आगे बढ़ता। क्या संकेत कर रहे हैं इसलिए कि ये सारी बातें कि महत् पादर जो अभिषेक महताम भागवतानाम पादर सेवाम बिना
ऐसे महत्व भगवान के भक्त होंगे तो चरण कमल की रज का चरण रज उनको ग्रहण किए बिना यह अर्थ होता है। इन वहां तात्पर्य यही है उसका कि भाई उनकी कृपा पात्र होना जरूरी है, चाहे जैसे भी उनकी कृपा तुम प्राप्त करो। इसके बाद महापुरुष संश्रय भगवान भास्कर कहते हैं महापुरुषों को आसक्त होना पड़ता है। वो जिस तरह से प्रसन्न उनके हृदय से कृपा का यह प्रवाह जिस तरह से हो जाए उसके अनुकूल चलना पड़ेगा। आप जैसे चलेंगे वैसे गंगा नहीं प्रवाह करेगी, तो इन गंगा के प्रवाह के अनुकूल आपको चलना पड़ेगा। दोनों में अंतर है। इसे गुरु की कृपा का प्रवाह के अनुकूल हमें चलना है, तो मेरे अनुकूल गुरु की प्रवाह हो जाए ये उल्टा चलता नहीं, कभी नहीं होता। इसी प्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात निषेध्य मानो अनुदिन मुमुक्ष मतिं सती यच्छति वासुदेव। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात, जैसे ही आपके जीवन में भगवान की कथा गुणों का अनुवाद प्रस्तुत हो जाता आरंभ हो जाता है ना, अपने आप ग्राम्य कथाओं का विघात होगा। जब भगवान की कथा में आपकी रुचि बढ़ती जाती है, भगवान लीला का चिंतन मनन स्मरण आदि करने में मन लग जाता है, वैसे वैसे ही ये सांसारिक विषय का जो विचारधारा है वह चिंतन मनन विजय स्मरण वह अपने आप नष्ट हो जाता है। निश्चय मानव ने जन्म मोक्ष अनुदिनम भिन्न विभिन्न मोक्ष के द्वारा जब इसी का सेवन किया जाता है तब सती मती यक्षति वास तो सद्बुद्धि अपने आप वासुदेव में एक ही भूत हो जाए शरणागत हो जाता। सतीम मतिम का विशेषण मत सेवा तत्पात उपाय तामाहा यत्र येषु महत्सु ग्राम्य कथा नाम विघात स्मात एक अधिक और विशेषण क्या होता है कोई समझा रहे विशेषण से क्या होता है गड़बड़ी अपने ही अनुभव बता रहे लग जाए मेरे पूर्व जन्मों की कहानी सुनो पता चलेगा विशेष संघ का क्या दुर्दशा होता है। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संघ बंद आराधनम भगवत मानो मृगो अभवम मृग संघा धतार्थ अजन श्रद्धा की कमी कहा ये देख लो भगवान की आराधना पूर्ण रूप में कर रहा है पूर्ण श्रद्धा है पर अंदर थोड़ी सी विषय के साथ संघ के साथ आसक्ति हुआ कामना जग गया भाई इस बच्चे को बचाया जाए किरण के बच्चे को बचाया जाए कामना ही तो है संकल्प तो हुई अगर महसूस का इसलिए कहते हैं कि भाई अहम पूरा भरत हो नाम राजा रे हाँ तुम सौर देश के छोटा देश का राजा हो मैं वो भरत हूँ जिसके बारे तुमने भी सुना होगा तो पूरा ब्रह्म जय पृथ्वी का राजा रहा है वो मैं हूँ कोई और नहीं तो सुन के हालत खराब हो गया अगर रघुवन करे भाप ये कौन मेरे को टकरा गया भैया आज तो कहते हैं विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध मैं दृष्ट श्रुत संग बंधन से विमुक्त था पहले से कैसा था वर्णन कर रहे दृष्ट श्रुत समस्त प्रकार का संग का कारणीभूत बंधनों से मुक्त था। दृष्ट श्रुतान श्रविक के साथ क्या होता है वैराग्य है ना वितृष्ट दृष्टान श्रविको विषय वितृष्ट वैराग्य दृष्ट श्रुत समस्त विषयों के प्रति जो वितृष्टा से रहित होने का है ना वैराग्य है अर्थात मैं परम विरक्त था केवल विरक्त नहीं था श्रद्धा भी थी आराधनम भगवद ही भगवान की आराधना करता हुआ रहता था लेकिन करते 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 ऐसा बीच में एक घटना घटी क्या मृगो अभवम मृग संगात हटा मृग का संघ के कारण से मेरा लक्ष्य से मैं च्युत हो गया हतार्थ हत प्रयोजन सन मेरा लक्ष्य जो जीवन मुक्ति थी उससे वो मैं हत हो गया नष्ट लक्ष्य वाला होकर भ्रष्ट लक्ष्य वाला होकर के मैं मृगो अभवम मैं भी मृग हो गया है? पागल
ಸಾಮ ಸ್ಮೃತಮೃಗದೇಹೇ ಪಿವೀರ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಚನ ಪ್ರಭವ ನೋ ಜಹಾತಿ ಅಥೋಹಂ ಜನಸಂಗಾದ ಸಂಘ ವಿಶಂಕ ಮಾನವೃತಶ್ಚರಾಮಿ. ಪ್ರಮಾಣಹೀನ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಕಥಾಕಾರನ ಬಕವಾಸ್ ಬಾಜಿ ಬಹುತ್ ಸಾಧ. ಕೋ ಪ್ರಮಾಣ ತೋ ಬತಾವೆ, ಕಿಸಿ ಪುರಾಣ ಮೇ ಹೋ ಕಹೀ ಭೀ ಹೋ ಸಂಹಿತಾ ಮೇ ಕೋ ಪ್ರಮಾಣ ನಹೀ ಐಸಿ ಬಾತ್. ಅರೆ ಉಸ್ಸೆ ಕ್ಯಾ ಲೇನ್ ದೇನ್ ಹೈ ಜ್ಞಾನ. ಸಾಮಾ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಮೃಗ ದೇಹೇ ಪಿವೀರ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಚನ ಪ್ರಭವಾನೋ ಜಹಾತಿ ಅಥೋ ಅಹಂ ಜನ ಸಂಗಾದ ಸಂಗ ವಿಶಂಕ ಮಾನೋ ಅವೃತಶ್ಚರಾಮಿ. ಭಾಯಿ ಏಕ ಕಹಾನಿ ತೋ ಜ್ಯಾದಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೈ ಜೋ ವ್ಯವಹಾರ ಮೇ ಭೀ ಅನುಭವ ಮೇ ಆತಾ ಹೈ. ಜೋ ಪಿಛಲೇ ಜನ ಕಾ ದುಶ್ಮನ್ ಹೈ ನಾ ವೋ ಪತಿ ಬನ್ ಕೇ ಆತಾ ಹೈ. ಏಕ್ ಕೀ ಜರೂರ್ ಬದಲಾ ಲೇನೆ ಕೇ ಲಿಯೆ ಅಬ ವೋ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಜಾತಾ ಉಸೇ ಛೋಡ್ ಭೀ ನಹೀ ಸಕತೆ ಹೈ, ಪಕಡ್ ಭೀ ನಹೀ ಸಕತೆ. ಯೇ ದುರ್ಶಾ ಹೋತಿ ಪತ್ನಿ ಸೇ ರೋಜ್ ರೋಜ್ ಲಡಾಯಿ ಚಡಾ ಲಡಾಯಿ ಚಡಾ. ತೋ ಶತ್ರು ಜೋ ಹೋತಾ ಹೈ ಬದಲಾ ಲೇನೆ ಕೇ ಲಿಯೆ ಪತ್ನಿ ಬನ್ ಕೇ ಆ ಜಾತಾ ಹೈ. ಯೇ ತೋ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧ ಬಾತ್ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಜರೂರಿ ಪತ್ನಿ ಶಿಷ್ಯಾ ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾ ಬನ್ ಕೇ ಆಯೇಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಜರೂರಿ ಜಿಸ್ಮೇ ಹಮಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋತಿ ಹೈ ವೋ ಅಪ್ನೆ ಸಂಬಂಧ ಮೇ ಜರೂರ್ ರಹೇ ಕೋ ಜರೂರಿ ನಹೀ ಥಿ. ಜೋ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಗ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ವೋ ಗಲತ್ ಕಲ್ಪನಾ ಹೈ, ಪ್ರಮಾಣ ಹೀ ಕಲ್ಪನಾ. ರಾಜ ಬಂದ್ಗೆ ಕಂಜೆ ಪಡೋರು ಕಂಜೆ ಪಡೆದ ರಾಜ ಪಾಲ್ಕಿ ಕೊಡೋಯಾ ಮೃಗ ಜೊ ಪಾಲ್ಕಿ ಬಂದ್ಗೆ ಆಗಿ ಇದು ಕಂಜೆ ಪಡೆದ ಪಾಲ್ಕಿ ಕೊಡೋಯಾ ರಾಜಕ ತನಿ ಬಿಟ್ಟಾಯ ಪಾಲ್ಕಿ ಪಾಲ್ಕಿ ಕಂಜೆ ಪಡ್ತ ರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿ ಯಿ ತೀಯ ಪಾಲ್ಕಿ ಭೀ ಮೇರೆ ಉಪರ್ ನೀ ತೈ ಡಂಡಾ ಭೀ ಮೇರೆ ಪರ ಥಾ. ರಾಜ ಚಾಹತಾ ಇಸ್ಮೇ ಕಂಧೆ ಪರ ಯೇ ಸಬ್ ಯೇ ವಾಸ್ತವಿ ಸಾರಿ ಕಥಾ ಕಾ ಅಸಲಿ ಸಾರ ಮೇ ಜಾತೆ ನಹೀ ನಾ ಯೇ ಕಥಾಕಾರ ಲೋಗ್ ಜೋ ಮೂರ್ಖ ಹೈ ಇನ್ಕೋ ತೋ ವಿವೇಕ ವಿಜ್ಞಾನ ತೋ ಹೈ ನಹೀ ವೇದಾಂತ ಪಢೇ ಲೋಗ್ ಹೈ ನಹೀ ವೋ ಕಥಾ ಕೇ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಲೇತೆ ಹೈ ಔರ್ ಫಿರ್ ಖಿಚಡಿ ಪಕಾನೆ ಲಗ್ ಜಾತೆ ಹೈ ಉಲ್ಟಾ ಸೀಧಾ ಉಲ್ಟಾ ಸೀಧಾ. ವಾಸ್ತವ ಮೇ ವೇದಾಂತ ಕಥನ ಕರ್ನಾ ಹೈ. ವಾಸ್ತವಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೈ ರವಗಣ ಭೀ ಮಿಥ್ಯಾ ಹೈ, ಶಿವಿಗಾ ಭೀ ಮಿಥ್ಯಾ ಹೈ, ನಾಮ ರೂಪ ಮಿಥ್ಯಾ ಸೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇನ್ ಕಥಾಓ ಕೋ ಉಲ್ಟಾ ಸೀಧಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಜರೂರತ್ ಹೈ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖೇಂಚತಾನ ಕರ್ನಾ. अरे अखंडानंद जो ऐसी बिरला को खुश करने में लगा रहा था वो तो केवल अरबपति का जो है नौकर बना था. अखंडानंद तो एक तरह से अरबपति का नौकर था, महात्मा थोड़ी था वो. खुलम खुलम कई आसान के सामने कह चुका हूं अखंडानंद कोई साधु नहीं था, बिरला का चेला था. और दूसरे नंबर में देखो एक साधु होकर के कथाकार भी थे तो जो दूसरों के लिए आप वो करते रहे कथाओं में ऐसे उनके वचन प्रामाणिक नहीं हो सकते. कहने का तात्पर्य उनका कथन करना कोई प्रामाणिक तत्व नहीं है. सामान स्मृति हे पिवीरा कृष्णार्चन प्रभवा नो जहाती. लेकिन यही विशेषता है वह जो मैं मेरी जो सांस स्मृति मृगते हे पी हे वीरा मां नो जा वह स्मृति जो है ना मृग देह में मेरी बनी रही. क्यों? कृष्णार्चन प्रभाव भगवान की जो है ना हमने जो आराधना की थी उसी का प्रभाव. अथो हम जन संगा जसंग और अब इस जन्म में मैं क्यों इस तरह से हूं समझ में आया. मैं अब इसलिए जनसंग से बड़ा शंकित रहता हूं, डर लगता है. एक मृग का संग से खतरा हो गया और मनुष्य का संग से फिर क्या होगा. अहम जनसंगा विषंग मानव असंगो अवृत चराम असंग होकर के अविवृत वाला होकर के उचर रहा हूं. खुला में खुला अपना स्वरूप को किसको बताए बिना विवृत हुए बिना विवृत हो मतलब अपना संबंध बता जा हाँ मैं ये हूं परिचय दे रहा है वो धंधा नहीं. मैं क्या हूं किसको पता ही नहीं चलता. अविवृत भाव में रहकर छिपाव होकर के असंग भाव से मैं इसलिए ही तो चल रहा हूं. तस्मान नरो असंग सुसंग जात न्यारासिनेहैव विवृत्न मोह हरिं तदीहा कतर श्रुति व्याम लब्ध स्मृतयात्ति पारमध्वनः. तस्मान नरो असंग सुसंग जात ज्ञानासिना यहीव विवृत्न मोह देखो आगे ना असंग शस्त्र में दृढ़ चित्रा की ओर ले गया अंत. तस्मात मनुष्य को नर को क्या करना चाहिए
असंग, तो असंग भी कैसा, सुसंग जात। असंग की भावना अपने मन में कल्पना नहीं करके, सुसंग से सत्संग से जन्य ज्ञान रूपी असीमित साध्य हो। सुसंग जात ज्ञान आसीना, असंगता विशिष्ट सत्संग जन्य ज्ञान रूपी खड़ग के द्वारा यही वह इस शरीर में रहते वक्त से जन्म ही जिसने मोह को काट डाला। हरिंत यहा कथन श्रोति ज्ञान, लेकिन कैसा होगा, कहते हरि तद यह, हरि की यह मैंने चेष्टाएं कथा इस श्रवण के द्वारा लब्ध स्मृति सन नष्ट मोह स्मृति लब्धा, तो भी कह दिया लब्ध स्मृति सन अति पारम, अद्वैत अति पारम, इस संसार के मार्ग के जो अति पार है वो हरि को अति पारम कौन है, वो हरि या तो हरि के रूप को ही प्राप्त कर जाता है, अपना ब्रह्म स्वरूप स्थित हो जाता। इतना कर मौन नहीं होते ब्राह्मण वाच दुरत्य जपा अजया निवेशित रजतम सत्य विभक्त कर्म दृत सयेश सार्थोक्त पर परिभ्रमन भवात विन्याति न शर्म विन्दति। क्योंकि रवगण के मन में विचार आ सकता है यदि यही सच्चाई है फिर सारी दुनिया क्यों लग रही है ज्ञान अभ्यास में, हरि की कथा का श्रवण मनन चिंतन करने में क्यों लगी है, जो इसको सुने हो बेचर होगी कथा करने पैसे कमाने में क्यों लग गए, क्या बात। तो इसी को समझा रहे क्या करें, सब आजा माया के चक्कर फंसे पड़े, बकरी का दूध पीने में लगे हुए, अजा हमारे बकरी भी होती ना, वो बकरी का दूध है भागवत को बेचना पैसे कमाना, बकरी का दूध पीने की पैसा है, ये माया का चाल ही ऐसा है। कहते हैं दुरत्य ध्वनि, दुरत्य संसार मार्ग है, ये संसार मार्ग ऐसा विचित्र है इसका तिरण करना कोई आसान बात नहीं। अजया निवेश को माया से इसमें घुसा दिया गया, प्रवेश करा दिया गया। रजस्तम सत्य विभक्त कर्म धृत, रजगुण तमोगुण सतगुण से विभक्त होकर के हम सब कर्म दृष्टि वाले हैं, हमारी सारी दृष्टि हमेशा क्या करना है, क्या करूं कल, कल क्या करना है, अब क्या करना है, कल क्या किए थे, हिसाब किताब में लगे रहते हैं सब। अभी आ रहते हैं कल हमें कहां जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सारी चिंतन होगी, यहां से निकलते ही बाहर यही चर्चा होने लगता है, शुरू हो जाता है। जब तक पाटे बैठे हैं तब निषेध है ना आया चर्चा करना, तभी तो मौन नहीं तो यहां भी चालू होगा। इसे कथा मंडप में लोग गप्पे मारने लग जाते हैं, जब बोर होने लगते हैं क्या अगर उठ के जा भी नहीं सकते, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, तो वहीं गप्पे भी चल जाते हैं, पाठ के पीछे गप्पे होने नहीं देते हैं, डांट दिया जाए क्या बोल रहा है, क्यों इस तरह से सारा कर रहे हो, डांट देते हैं ना, इस वजह से बेचारे मजबूर है ना। ये माया का स्वभाव है कि मनुष्य को इस तरह से प्रवृत्त करा रखा है। सयेश सार्थो अर्थ पर परिभ्रमन, सयेश प्रसिद्ध सार्थो जीव समूह, अर्थ पर केवल है सुखार्थ पर, केवल ये लौकिक सुख को पीछे भाग रहा है, परिभ्रमन भ्रमण करते हुए भवाटवीम या भवरूपी संसारोपी महान जंगल में प्रवेश की नहीं आती न शर्म विंदती, इस संसार भी जंगल में इन्हें कहीं कोई शरण ही प्राप्त नहीं हो रहा है। कहते कि भाई ये संसार भी जंगल में इसका तो चोर डकैत भी होंगे, कहते हाँ क्यों नहीं है, ऐसा है इसके अंदर बताएगा कौन सा जंगल है, क्या जंगल संसार के जंगल में चोर कौन है, डकैत कौन है, तो यहाँ पर जो है आपके पेड़ पौधे वगैरह क्या है सब वर्णन करने जा रहे हैं। यस्यामि मेषं नरदेव दस्यवः सार्थं विलं पंति कुना एकं बलात् गोमा यवो यत्र हरं दशार्दिकं प्रमत्तम आविश्य यथो रणं वृकाः। यस्याम इले षट हे नरदेव, हे रघुवंश राजा सुनो, जिस इस संसार रूपी अटवी में, अटवी मैंने जंगल में क्या है, इन्हें षट ये जो छह है ना, यही इंद्रियां छह इंद्रियां पंच ज्ञानेंद्रिय और मन, ये जो छह चीजें ही चोर है जैसे बताए थे यहाँ पर। सार्थम विलम पंते, ये कह रहे सार्थम तम सार्थिर यस्य, कहते हैं कि वे सार्थम उसके जो प्रयोजन से आपका अपना मुख्य प्रयोजन जो है उसको भी लूट लेते हैं, हर लौकिक प्रयोजन को भी सीधे नहीं, इसमें बाधा डालते रहते हैं। आप लौकिक इच्छाएं जो है आपकी
ये भी ठीक ठीक से पूरी नहीं हो पाती है या नहीं? जैसा कुटिया चार है, कमरा बढ़िया मिल जाए, भोजन पानी व्यवस्थित मिल जाए, कहाँ मिल जाए, बड़ा परेशान धक्के खाए फिर रहे हैं, है या नहीं? लौकिक इच्छा अभी पूरी नहीं हो रही है। अरे महात्मा जी बोल रहे थे ना कल, है न कमरे की व्यवस्था न खाने की व्यवस्था, बड़ा दुर्दशा है, इतने आश्रम में कर सकते लेकिन कोई नहीं करना चाहता है, बोल रहे हैं। बेचारे बड़े परेशान दुखी थे इस बात को लेकर, क्या दुखी है, सब कर लिए, लौकिक फल भी पूरा नहीं हो सकता, बाएं बचा लिया इसका, अब जहां जाएंगे दूसरी समस्या आएगी। आपको लगेगा वहां पर हम अपना भोजन बना रहे, खा रहे, अपनी कुटिया में रह रहे, स्वतंत्र है, कोई हमारे सर पर नहीं, कोई नीचे नहीं, ऊपर ना नीचे, हम मस्त तो लगेगा तो ऐसा इस रूम है, जिसे कोई संशय नहीं, बाहर में खिटखिट खिटखिट चालू होगा धीरे धीरे, तो माया ही ऐसी चुप गया, चार उधर फिर भाग गए, फिर भागे हो गया, गड़बड़ी तो नहीं हमारे, हमें पढ़ाने में गड़बड़ी तो नहीं, ना नहीं मन घुटेगा, तो होता है समाज का, इतना आसान नहीं, जिन मुक्त भाव में स्थित होकर पढ़ाने को साधारण बात है, बहुत क्लेश होता है, चार आए और चार झगड़ी बनाना पड़ेगा, अधिक हुए ना क्या करेंगे, अब अधिक हो जाए तो मुसीबत, घट जाए तो मुसीबत, क्या किया, घट जाए तो क्यों हुआ, अधिक आए फिर उनकी व्यवस्था क्या करेंगे, कहा करनी, कैसे करना है, बड़ा लगता है। इसलिए हमने यह कहा योगेंद्रायन जी की पद्धति ठीक, अपने कुटिया में बैठे, जिसको आने आओ, पढ़ना पढ़ो जाओ, और बाकी हमसे नहीं पूछना तुम कहाँ रहोगे, तुम्हारी क्या व्यवस्था है, तुम जानते व्यवस्था जाना, जिंदा ट्रेन में घटने से चिंता ना बढ़ने से चिंता, घट गए तो जानते ही व्यवस्था की गड़बड़ी थी, किसके पेट में गैस हो गया, कुछ हो गया, चला गया, कोई बात नहीं, समाधान हो गई है ना, आसान समाधान है, रखोगे पालोगे सर व्यवस्था दोगे, फिर बड़ी समस्या हो जाती, चार क्यों गई, क्यों गई, हमने तो सारी व्यवस्था की थी, पेट में गैस होने नहीं दे रहा था, दवाइयां भी दी इनको, अच्छी पानी दी इनको, है कोई बीमारी होने नहीं दे रहा था, फिर भी क्यों भाग गए, अब बाहर आ रहा है भाग गया, कहेंगे पेट में गैस हो गया, भाग गया, बीमार हो गया, भाग गया, तो और समस्या हो गई, चला गया, कोई बात, बढ़ गया तो रहने के मेरे को तो चिंता नहीं, और चार कुटे बनाना ही नहीं, बढ़ गए तो ठीक है, कमरे में जितना हिस्सा होगा किसी से बैठ जाओ, है या नहीं, तो वो सिस्टम, चार विद्यार्थी को रखने की व्यवस्था कभी नहीं सोचना, सब भी अपना भी डाल दे, तपस्या पूर्वक पढ़ने दो ना, उनको तपस्या पूर्वक पढ़ने देना चाहिए, असुविधा में रहकर जितना पढ़ाई हो पाता है सुविधा नहीं होता, अपराधी अनुभव है सबका, पर अनादिकाल से चला हुआ सबका, अनादिकाल से चला हुआ, अब भी चल रहा, आगे भी चलते रहेगा, आप जितनी सुविधा मान कोशिश कीजिए फिर वहां कहीं ना कहीं गड़बड़ जाएगा, इसीलिए जैसा चल रहा है वैसे चलने दो तो बढ़िया रहता है, नहीं तो सार्थम लुम्पन दिशा इंद्रिया, तुम्हारा असली जो प्रयोजन था आओ जीवन मुक्ति छोटी जाएगी, अर्थ मन प्रयोजन आपका अपना मुख्य प्रयोजन सहित ये गौण प्रयोजन भी जितनी थी इंसान आपको लुट रहे है, ये कुनायकम भी बुद्धि ले रहे, कुनायकम कर बुद्धि है, आप गलत सोच रहे, नहीं नहीं देखो यस्य तम, यस्य ना ऐसा बुद्धि है जिसका, हाँ वहां तो आप लेंगे कुनायका अर्थ है, कुछ तो नायका सारथिर मैंने सारथिर और बुद्धि यस्य, यदि कुनायकम का अर्थ हो गया वो सार्थम, कुनायकम सार्थम अर्थात आप भी गौण मुक्ति प्रयोजन सहित तो इस जीव को भी लुटा लेता है, ऐसी बुद्धि जिसका कौन है वो अज्ञानी, मैंने उस अज्ञानी को उसके अपना ये लोग परलोक सारा प्रयोजन सहित अज्ञानी को लूट देता है, इंद्रिया वो भी कैसे बला जबरदस्ती करता है, कई बार होते आप चाहते नहीं गरीब मन तो भागता है, आप तो चाहते मैं ये करूं वैरागी करूं लगे रहो पढ़ाई लिखाई में व्यवस्था कुछ संभालो अपने आप है नहीं, लेकिन ये चलती है, इसे कहते बला गोमा जबो यत्र हरं देशार्दिकम और कश्चित धर्म्यम धनम उपभोग यथा पूरण मृका, जैसे जो है पूरण को मृत पूरण को मेष को
मेष को वृक जैसा हरण कर ले जाते हैं, उसी प्रकार गोमायावा माने श्रृगाल तुल्य। कौन है वो गोमायावा? गो से समझा तात्पर्य पत्नी, और मायावा से अपत्य, पत्नी पुत्र आदि बंधल, ये सारी चीजें। ये सब तम में भरता तो क्या कहेंगे, आप मेरे पतिदेव है, आप मेरे जो पिताजी है, लाओ मार डाल। अरे पति है ना, फिर लाओ ना पैसा, लाओ खर्चा पड़े, लाओ। अब बाप है तो बेटा बोले फीस लाओ, पुस्तक लाओ, ड्रेस लाओ, लाओ लाओ ही चलते रहोगे, तुम देते रहोगे, कुछ तुम तो लूटिए है। थोड़ा सा जो मीठा प्यार का शब्द है उसके चक्कर में सब लूट जाते हैं। ये कहते तो हरंती ये सब सार्थिकम यत्र हरंती, कह दिया प्रमत्तम सार्थिकम सार्थि स्थित हरंती, आप अर्थ में स्थित है, इसलिए आपको वो प्रमाद युक्त होकर के अर्थ में स्थित होने के नाते आपको ये सब हरण कर लेते हैं।